जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं रूपाली आपको आप ही के चैनल में स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं बढ़िया स्वाद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कान्हा जी के फेवरेट रेसिपी से एक रेसिपी जो है मथुरा के पेड़े। आज हम मथुरा पेड़े तो बनाएंगे बट आज दूध से नहीं बनाएंगे, इंस्टेंट मथुरा पेड़ा और बिल्कुल वही स्वाद कैसे लाएंगे ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप बूरा यानी तगार, 3 कप मिल्क पाउडर, 4 बड़े चम्मच घी, 1/2 कप दूध, 1 जायफल इसे हम आधा ही यूज करेंगे और 1 बड़े चम्मच इलायची पाउडर। तो सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख के कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच भर के घी। फ्लेम को यहाँ पे लो पे ही रखना है और घी के मेल्ट होते ही इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर और पाउडर डालते ही इसे लगातार हमें चलाना है, साथ में इसकी लम्स को तोड़ते हुए और इसे इस तरीके से मैश करते हुए चलाना है। इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये डार्क कलर का ना हो जाए और फ्लेम हमें बिल्कुल लो पे ही रखना है। आप देख सकते हैं इसका कलर अब चेंज होने लगा है, ये जो गोल्डन कलर का गुठलिया बन रही है इसे हम मैश करते चलेंगे, वरना हम जब मिठाई बनाएंगे कहीं पे ज्यादा डार्क और कहीं पे ज्यादा लाइट। सो इसे स्पैचुला के मदद से तोड़ दीजिए। अब हम इसमें 1 चम्मच और घी डाल देंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालिए, एक बार में बिल्कुल भी मत डालिए। अब इसका कलर और थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब इसमें और थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और ये देखिए इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट भुनने के बाद इसका कलर डार्क हो गया है। अब इस स्टेज में डाल देंगे दूध और दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डाल के भुनने के बाद इसका कलर और अच्छा आ जाता है। अब इसे और 5 मिनट भुनेंगे। गुठलिया को तोड़ते हुए लगातार इसे चलाना है। आप इस पेड़े को बनाने के लिए फुल फैट मिल्क पाउडर ही यूज करिए और जो हम नॉर्मल चाय के लिए यूज करते हैं ना उसे मत यूज करिए। मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं था तो मैंने नॉर्मल वाला यूज की हूँ। इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट भुनने के बाद इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब गैस को ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, अब इसे एक मिक्सी में चला लेंगे। जार हमारा फूल हो गया है, इसे आधा आधा करके ही पीसेंगे। अब ये मिठाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और एक ग्रेटर के मदद से इस जायफल को ग्रेट कर लेंगे। इसे सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है बट डालना जरूर। ये देखिए इसे थोड़ा सा ही डाली हूँ। अब मीठी के लिए इसमें डाल देंगे बूरे। अगर आपको ये बूरा की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे आपके हिसाब से ही डालें, आपको जितना मीठा पसंद है उतना ही डालें। अब इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि टेक्सचर थोड़ा ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिए ताकि पेड़ा अच्छे से बाइंड हो जाए। और एक बात ध्यान पर रखें, जब आप कोई भी पेड़ा बना रहे हैं जिसमें आप बूरा डालते हैं तो पूरा ठंडा होने पे ही डालें, वरना चीनी पानी रिलीज कर देगा। देखिए कितना इजीली बन गया है। जो असली मथुरा के पेड़ा होता है ना तो प्रॉपर शेप अप में नहीं बनता है, तो वही इसकी पहचान है। मेरा तो फिर भी गोल बन गया है पर कोई बात नहीं। अब इसे बूरे में कोट कर लेंगे। अगर बूरे नहीं है तो आप शुगर पाउडर भी ले सकते हैं बट बूरे इसके लिए बेस्ट है। अब इसी तरीके से और बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना इजी है इसे बनाना। और ये देखिए बन गया हमारा जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी मथुरा के पेड़ा। तो आप भी बनाइए आपके घर पे और इस बार कान्हा जी को घर का बना हुआ पेड़ा ही भोग लगाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।
टेक केयर, बाय बाय।